सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना। दोस्तों, करेला अपने कड़वे स्वाद के बावजूद भी बहुत गुणकारी होता है। इसके गुणों को जानने वाले लोग इसके कड़वे स्वाद होने के बाद भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार मिठाई मीठी होती है परंतु ज़्यादा मिठाई खाने से नुकसान हो सकता है, ठीक इसके विपरीत करेला स्वाद में तो कड़वा होता है परंतु इसके सेवन से बहुत ही फायदे मिलते हैं। दोस्तों, करेले में विटामिन ए, बी, सी, आयरन और कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आप सल्टिया बीबीसी कोटाबाग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त सुभाष भारद्वाज कोटाबाग से। दोस्तों, करेले के औषधि फायदों के बारे में बात करने से पहले मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, आप करेले के औषधि फायदों की बात करते हैं। करेला स्वाद में तो कड़वा होता है परंतु इसका यही कड़वा स्वाद इसे औषधि गुणों के लिए विशेष बनाता है। करेले के औषधि गुणों की बात करें तो यह हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाने का कार्य करता है। करेले का सब्जी, अचार और जूस के रूप में उपयोग किया जाता है। खाली पेट करेले का जूस पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। करेले का जूस खून को शुद्ध करता है, जिसके कारण त्वचा से संबंधित बीमारियां जैसे खुजली, फोड़े, फुंसी, एलर्जी आदि की परेशानी से बचाव मिलता है। करेले के सेवन से हार्ट अटैक की परेशानी भी नहीं होती है। करेला सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी औषधि है। तो दोस्तों, करेले के इतने सारे फायदों को देखते हुए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि करेले का उपयोग अवश्य करें। दोस्तों, करेले के फायदों के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।